हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट पे थर्सडे सर में। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, साथ ही जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। कैसे हैं बच्चों आप लोग, पढ़ाई आप सबकी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आज पार्ट नंबर 38 देखने वाले हैं, बिकॉज कल हमने 37 नंबर को देखा था। जिन भी बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है कि सभी क्लासेस आके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। बिकॉज हमारी नई क्लास देखने से ज्यादा जरूरी है कि हमारी पिछली क्लासेस जितनी हुई हैं वो आपको याद हो, आपको पता हो उसमें क्या पढ़ाया गया है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे इस क्लास से, ठीक है। तो बिना देर के चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, थायराइड फोलिकल में पाई जाने वाली एपिथिलियम कौन सी है? थायराइड फोलिकल में पाई जाने वाली एपिथिलियम कौन सी है बच्चों? स्टैटिफाइट, स्कॉमस, क्यूबाइडल, ट्रांजिशनल, या ऑप्शन डी हो जाएगा कैलुमर, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जितने बच्चे लेट से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से जुड़ा करें और पहले नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, बिकॉज काफी बार मैंने इसे पढ़ा रखा है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। स्टेटिफाइड, एस्कॉमस, क्यूबाइडल, ट्रांजिशनल, या ऑप्शन डी हो जाएगा कोलुमर। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन। फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी इज अ राइट बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा बी इज अ वेरी राइट, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे तेजी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे तेजी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तेजी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और पहले नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से सभी बच्चे दे दीजिए, और फर्स्ट का बी हो जाएगा बच्चों, क्यूबाइडल हो जाएगा, क्यूबाइडल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और थायराइड जो फॉलिकल्स होते हैं बच्चों, थाइमस ग्रंथि की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होते हैं। थायराइड फॉलिकल बच्चों थाइमस ग्रंथि की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, और सबने बहुत शानदार आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जन्म के कितने समय पश्चात कार्य करना बंद कर देता है डक्टस आर्टेरियस? जन्म के कितने समय पश्चात डक्टस आर्टेरियस कार्य करना बंद कर देता है? 24 से 48 घंटे, 10 से 15 घंटे, 48 से 72 घंटे, ये ऑप्शन डी हो जाएगा 3 महीने, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी बच्चे बता दें क्या हो जाएगा टू नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर। जन्म के कितने समय पश्चात डक्टस आर्टेरियस कार्य करना बंद कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, 10 से 15 घंटे पश्चात बच्चों, 10 से 15 घंटे पश्चात ये कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस प्रकार की एम्फिसेमा सबसे अधिक पाई जाती है? किस प्रकार की एम्फिसेमा सबसे अधिक पाई जाती है बच्चों? पेन किनार, सेंट्री केनान, डिस्टल आसिनर, या ऑप्शन डी इरेंगुलर। किस प्रकार की एम्फिसेमा सबसे अधिक पाई जाती है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों? और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन डी इज राइट, इरेंगुलर। और एम्फिसेमा क्या है बच्चों? तो यह फेफड़ों की बीमारी है बच्चों, फेफड़ों की बीमारी है,
ठीक है, जिसके कारण श्वास लेने में परेशानी होती है। ठीक है बच्चों, इसमें फेफड़ी की जो कार्य करने की क्षमता होती है, जिसमें वो O2 को लेता है और CO2 को बाहर करता है, स्पंजिंग का जो कार्य करता है वो इसमें प्रभावित होता है, यानी इसमें फेफड़ों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंजियोकार्डियोग्राफी में क्या देखते हैं बच्चों, तेजी से सभी बच्चे बता दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्डियक चैम्बर को देखते हैं, कार्डियक वॉल्व को देखते हैं, कोरोनरी वेसल्स को देखते हैं, या इन सभी को देखते हैं, क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों तेजी से बताइए। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे तेजी से बता दें। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन डी इज द राइट। ये सभी एनजीओ कार्डियोग्राफी में क्या देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। मुख्यतः एनजीओग्राफी से बच्चों, एनजीओ कार्डियोग्राफी से इसकी मदद से बच्चों, एनजीओ कार्डियोग्राफी की मदद से फेफड़ों में रक्त रक्त प्रवाह का आकलन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। एम्बोलिज्म का क्या कारण हो सकता है, एम्बोलिज्म का क्या कारण हो सकता है? श्वास में कठिनता, नपुंसकता, गैंग्रीन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी बच्चे बता दें। एम्बोलिज्म का क्या कारण हो सकता है? श्वास में कठिनता, नपुंसकता, गैंग्रीन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एम्बोलिज्म क्या होता है बच्चों, तो रक्त के थक्कों के द्वारा, रक्त के क्लॉटी थक्कों के द्वारा, रक्त वाहिका में रुकावट पैदा होना या पैदा करना, रक्त के थक्कों के द्वारा रक्त वाहिका में रुकावट पैदा करना एम्बोलिज्म कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जब किसी मरीज से विभिन्न प्रश्न पूछे जाने पर भी उसका जवाब एक ही रहता है तो उस स्थिति को कहते हैं, जब किसी मरीज से विभिन्न प्रश्न पूछे जाने पर भी उसका जवाब एक ही रहता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? संरक्षण रोग, भ्रम, भ्रांति, या चंडी हो जाएगा संतरास, क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का करें कैंसर? आज पता नहीं क्यों अचानक से पापा की बड़ी याद आने लगी बच्चों, पापा की बड़ी याद आने लगी पता नहीं क्यों, सभी बच्चे बता दें क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। जब पापा एडमिट है ना बच्चों, पापा एडमिट है, तो एक्चुअली मैं दिल्ली था, और
पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थे बच्चों। अब पापा को मैं फोन किया, इसी समय क्लास लेने के बाद फोन किया कि पापा कैसे हैं आप। तो पापा कह रहे ना बच्चों कि अभी तो ठीक नहीं है। मैं बोला पापा दर्द नहीं आराम हुआ है, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था उनको, तो पूरा मतलब फेफड़े की तरफ पूरे चेस्ट में पेन हो रहा था, बिकॉज ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो पापा कह रहे नहीं अभी आराम नहीं बेटा, कुछ भी आराम नहीं समझ आ रहा है। तो मैं बोला कि कल आराम हुआ था, तो कह रहे नहीं कल भी नहीं आराम हुआ था। मैं बोला इंजेक्शन लग रहा है, तो कह रहे बेटा बहुत इंजेक्शन लग रहा है पर आराम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है आराम, पूरा वैसे ही दर्द रह रहा है हमेशा। तो वैसा दर्द पापा को 31 जनवरी तक था, अब से लेकर अभी वो 22-23 दिसंबर से लेके पूरे 31 जनवरी तक पापा एडमिट थे, और अंततः 21 जनवरी को 8 PM पर पापा की मृत्यु हो गई। जो सॉरी बस बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करें कैंसर, तो 6 का ही हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। सो सॉरी बच्चों। साइकोसिस एक प्रकार का कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक विकार है, भावात्मक मनोवैज्ञानिक विकार है, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक विकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी बच्चे बता दें। 7 का साइकोसिस एक प्रकार का बच्चों, एक प्रकार का किस प्रकार का बच्चों विकार है। वो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी इज अ वेरी राइट बच्चों, डी इज अ वेरी राइट। और इसमें बच्चों मन की असामान्य दशा है, यह जो है बच्चों साइकोसिस मन की असामान्य असामान्य दशा है, जिसमें मन मन जो है ना बच्चों मन तय नहीं कर पाता, मन तय नहीं कर पाता कि वास्तविक क्या है या वास्तविकता क्या है एवं अवास्तविक क्या है। ठीक है बच्चों, और इसमें बच्चों जो चीज असत्य होती है ना, जो चीज असत्य होती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ना ही सोचा जा सकता है कि ये सत्य है, उसको भी ये लोग सत्य मानते हैं। असत्य को ये लोग सत्य मानने लगते हैं। इनको ऐसी ध्वनि सुनाई देती है बच्चों, ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो दूसरों को सुनाई नहीं देती। ठीक है बच्चों, ये जो मैं लिखता हूं ये ठीक है कि नहीं एक बार बता देंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि इस लिखने की वजह से आप सबको थोड़ा सा लग रहा हो कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बता देना, मैं नहीं लिखूंगा ऐसे बोल दिया करूंगा, है ना। निम्न में से एंटीमिनिक दवाइयों का उदाहरण है, एंटीमिनिक दवाइयों का उदाहरण है बच्चों कार्बामेज़ेपिन, वॉलपोरेट, गोबापेटिन। ये ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों, तेजी से बताइए। एंटीमिनिक दवाइयों का उदाहरण है बच्चों क्या है, 8 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एंटीमिनिक दवाइयों का जो उदाहरण है ऑप्शन 8 का ए हो जाएगा, कार्बामेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन हो जाएगा। और एंटीमिनिक दवाइयां बच्चों उन्माद को कम करने एवं मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों,
कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? और बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करें, बहुत शानदार आप लोग आंसर करें। सभी बच्चे एक बार तेजी से वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों, तेजी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, नहीं अच्छी लग रही है मत लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगर अच्छी लग रही है ना बच्चों तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, बहुत शानदार आप लोग आंसर करें, बहुत ही शानदार। बच्चों मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहते हैं बच्चों ठीक है। चलिए, यदि लिए गए खून को फ्रिज में 3-4 दिन रखा जाए तो कौन सा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है? अगर कोई सैंपल लिया गया है रक्त का बच्चों, और इसे 3-4 दिन फ्रिज में रख दिया जाए तो कौन सा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है? ट्राइपिनोमा, हेलिकोबैक्टर, पाइलोरी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 9 का क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताने की कोशिश करें। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, ट्रैपिनोनीमा, ट्रैपिनोमा हो जाएगा, ट्रैपिनोमा इसका करेक्ट हो जाएगा, जो 3-4 दिन फ्रिज में रखने पर नष्ट हो जाएगा। लैथरीज में क्या खाने वाला रोग है बच्चों? क्या खाने से होने वाला रोग है लैथरीज में? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और पूर्वांचल में ज्यादातर देखने को मिलता है यह रोग बच्चों। पूर्वांचल जैसे गोरखपुर से लेकर पूरा उधर आप चले जाओ, बिहार, छपरा, झारखंड, छपरा हो गया, सहरसा हो गया, या फिर मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, उन क्षेत्रों में ज्यादातर इसके मामले देखने को मिलते हैं। तुअर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, या ऑप्शन डी हो जाएगा, खेसारी दाल। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का ऑप्शन डी इज द राइट, खेसारी दाल ठीक है, खेसारी दाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। और बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करें, बहुत ही शानदार, एक आध बच्चों को छोड़कर बाकी सबका आंसर बहुत ही करेक्ट आ रहा, वेरी गुड, सुपर बच्चे, बहुत 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 बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत है वनस्पति तेल, अंडे का तेल, मक्खन, या ऑप्शन डी दूध। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों, तेजी से बताइए। विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत है वनस्पति तेल, अंडे का तेल, मक्खन, या ऑप्शन डी हो जाएगा दूध। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन ए, वनस्पति तेल ठीक है, वनस्पति तेल इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, वह अवस्था जिसमें रोगी केवल सीधे बैठकर या खड़े होकर सांस लेता है ना कि लेटकर कहलाती है। वह अवस्था जिसमें रोगी केवल सीधे बैठकर या खड़े होकर सांस लेता है ना कि लेटकर कहलाती है। अर्थोपेनिया, एपनिया, ब्रेडीपेनिया, या ऑप्शन डी टाचेनिया। क्या हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर, सभी बच्चे बता दें, तेजी से सभी बच्चे बताएंगे 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वह अवस्था जिसमें रोगी केवल सीधे बैठकर या खड़े होकर सांस लेता है ना कि लेटकर कहलाती है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बच्चों ए इज द राइट, आर्थोपेनिया। क्या हो जाएगा बच्चों, आर्थोपेनिया, और बिल्कुल सबने करेक्ट आंसर बताया भी है, बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, शरीर की जांच करना कहलाता है, शरीर की जांच करना कहलाता है बच्चों, पल्पेशन, परक्यूशन, इंस्पेक्शन, या ऑप्शन डी ऑस्क्यूलेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, तेजी से बताइए। शरीर की जांच करना कहलाता है परक्यूशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, या ऑप्शन डी ऑस्क्यूलेशन। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, परक्यूशन, शरीर की जांच करना, बॉडी टेस्ट बच्चों ठीक है, बॉडी टेस्ट बच्चों क्या कहलाता है, तो परक्यूशन कहलाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शरीर की जांच इन द महत्वपूर्ण अंग है, उनको डायग्नोस करना, इसके अलावा रक्त की जांच करना, रक्त में बहुत सारी लाखों बीमारियां हैं बच्चों, जिसमें मेजर जो बीमारियां हैं, जो जिसके सिम्टम शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसको इसमें बच्चों टेस्ट किया जाता है ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट। टीबी की कौन सी औषधि परसिस्टेंट जीवाणुओं को खत्म कर सकती है? परसिस्टेंट जीवाणुओं को खत्म कौन कर सकती है बच्चों, टीबी की कौन सी औषधि है? आई एन एच, रिफाम्पेसिन,
मेथेम्बुटोल, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों, तेजी से बताइए। टीबी की कौन सी औषधि परसिस्टेंट जीवाणुओं को खत्म कर सकती है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, रिफाम्पिसिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द वेरी राइट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे और इसका आंसर बिल्कुल सबने बहुत करेक्ट आंसर दिया, रिफाम्पिसिन बच्चों टीबी में महत्वपूर्ण दवा है, टीबी के इलाज में जिसका प्रयोग किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस बीमारी में बहुत अधिक दस्त होते हैं? किस बीमारी में, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, तेजी से बताएं, किस बीमारी में बहुत अधिक दस्त होते हैं? कोलेरा में, पोलियो में, गलपोटू में, गलघोटू होना चाहिए था बच्चों, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गलसुए में, मम्स में, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 15 का, किस बीमारी में बहुत अधिक दस्त होते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, कोलेरा, ठीक है, किस बीमारी में बहुत अधिक दस्त होते हैं, तो ऑप्शन ए इज वेरी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, निम्न में से संभोग द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? फर्टिलाइजेशन के द्वारा फैलने वाली बीमारी बच्चों, फर्टिलाइजेशन के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है बच्चों, डिजीज कौन सा है? ट्राइकोमोनियसिस, कैंडी डाइसिस, जेनिटल वाटर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 16 का, कौन निम्न में से कौन से संभोग के द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी बीमारियां ट्राइकोमोनियसिस, कैंडी डायसिस और जेनिटल वार्टस, ये तीनों के तीनों बीमारियां बच्चों फर्टिलाइजेशन के द्वारा, सेक्सुअल लिएशन के द्वारा फैलने वाली है। एक स्त्री की फैलोपियन ट्यूब के जुड़ने के स्थान के ऊपरी गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? एक स्त्री के फैलोपियन ट्यूब्स के जुड़ने के स्थान के ऊपरी गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? यूट्रोसेक्रल, सर्विक्स, फंडस, या ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चे बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताने की कोशिश करें और बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर करें, और प्लीज बच्चों क्लास में बातचीत ना करें, प्लीज बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी बच्चे को, पर्सनल बातचीत बिल्कुल भी ना करो बच्चों, मैं हमेशा से आप सबको कहता हूँ, बातचीत के लिए हम अलग सेशन रख लिया करेंगे बच्चों, ठीक है, हम अलग सेशन रख लिया करेंगे, उसमें आप लोग बातचीत कर लिया करना, लेकिन प्लीज यहाँ बातचीत मत किया करो, ठीक है, इतने बढ़िया से आप लोग हो, इतना बढ़िया, आप देखो आपका मुंह कितना बढ़िया मैंने बना दिया, इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, की बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सुधार किया और बिगड़ गया, कोई बात नहीं, बातचीत नहीं करना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा, सी इज राइट, फंडस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक स्त्री के फैलोपियन ट्यूब के जुड़ने के स्थान के ऊपरी गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? तो फंडस बोलते हैं, बहुत ही क्वेश्चन था बच्चे, सबको पता होगा। साइटोलॉजी के अंतर्गत शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? केंद्र का, कोशिका का, उत्तक कोशिकाओं का, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का, सभी बच्चे बताएं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, तेजी से बताइए सभी बच्चे क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बता देंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक का, न्यूक्लियस का, कोशिका का, या उत्तक कोशिका का, या ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी का, तेजी से सभी प्यारे बच्चे बता दें, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी इज राइट, उत्तक कोशिका का। साइटोलॉजी के अंतर्गत शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज वेरी राइट हो जाएगा।
28 सप्ताह से कम अवधि के गर्भधारण वाला जीवित शिशु क्या कहलाता है? 28 सप्ताह से कम अवधि के गर्भधारण वाला जीवित शिशु क्या कहलाता है बच्चों? प्री वयबल शिशु, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी पारा, ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बहुत शानदार आंसर बच्चों, वेरी गुड, सुपर बच्चों आंसर, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। बस जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, पेशेंस रखा करें आप लोग, क्योंकि आप जल्दबाजी के चक्कर में ना बहुत इजी वाले प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखिए और फिर आंसर करते रहिए। क्या हो जाएगा 19 का? तो 19 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट, प्री वेबल शिशु, ऑप्शन ए इज द वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 16 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भ्रूण के चेहरे पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल क्या कहलाते हैं? 16 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भ्रूण के चेहरे पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्निक्स केसियोसा, वर्निक्स लोबसा, लैनिगो, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 16 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद भ्रूण के चेहरे पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल क्या कहलाते हैं? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सबको पता होगा, 20 का सी हो जाएगा, लैनगो बोला जाता है बच्चों, ठीक है, लैनगो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जीवाणुओं को नष्ट करने का सबसे असरदार, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है बच्चों? जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? सुखाना, गर्मी देना, सफाई या धोना? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी बच्चे थ्री सेंसर करें। और 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, गर्मी देना, ठीक है। जीवाणुओं को नष्ट करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? तो हीट, गर्मी देना बच्चों, हीट से सबसे तेजी से जीवाणु जीवाणु जो है वो मरते हैं, इसलिए आपको पता है ना बच्चों, ऑटोक्लेव में आपको पता है ना बच्चों, 121 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यूज किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बच्चों, ठीक है, ऑटोक्लेव विधि में, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर रखा जाता है ताकि जीवाणु जो है वो नष्ट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमण से ग्रस्त है, ऐसे में उसके शरीर में परजीवी संक्रमण करता है, तो उसे कहेंगे या उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, तेजी से बताइए। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमण से ग्रस्त है, ऐसे में उसके शरीर में परजीवी संक्रमण करता है, तो उसे कहते हैं प्राथमिक संक्रमण, माध्यमिक संक्रमण, फोकल संक्रमण, या ऑप्शन डी दोबारा संक्रमण। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों, तेजी से बताइए। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी इज द राइट, दोबारा संक्रमण। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमण से ग्रस्त है और उसके शरीर में दोबारा से परजीवी संक्रमण होता है, तो ऐसे में बच्चों उसको दोबारा संक्रमण बच्चों कहते हैं। और कई बार मैंने बताया है, आपको याद भी होगा बच्चों, है ना, याद है ना, इसीलिए बच्चों आपने बहुत करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किताबों को विष संक्रमित करने का क्या साधन है? किताबों को विष संक्रमित करने का क्या साधन है? एल्कोहल, इथालिन ऑक्साइड, गर्मी या ऑटोक्लेव? किताबों को, अगर आप किताबों को ऑटोक्लेव में डालेंगे तो इतने हाई टेम्परेचर पे इसमें तो आग लग जाएगी और ये जल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको आप खत्म कर दीजिए। और गर्मी हो सकता है बच्चों, गर्मी हो सकता है क्या? क्योंकि गर्मी में अगर रखोगे तो किताब ड्राई होगा तो इसमें आग लग जाएगी, तो हो सकता है गर्मी से भी ये जल जाएगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। अल्कोहल, अगर आप किताबों पर डालते हो तो किताब गीला हो जाएगा, वैसे ही खराब हो जाएगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब जो बचा उसके साथ आप आगे जा सकते हो, भी इथाइलीन ऑक्साइड बच्चों, ठीक है,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है ना बच्चों, आपको करेक्ट आंसर नहीं खोजना होता, आपको रॉन्ग ऑप्शन खोजना होता है। रॉन्ग ऑप्शन अगर आपको मिल गया ना, तो फिर करेक्ट आंसर लास्ट में खुद ही बच जाएगा। केला। निम्न में से गोनेरिया के क्या कारण है? गोनेरिया के क्या कारण है? स्यूडोमोनास, निसेरिया, ई कोली या ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। गोनेरिया के क्या कारण है बच्चों, तेजी से बताइए। स्यूडोमोनास, निसेरिया, ई कोली या स्ट्रेप्टोकोकस, जल्दी से बताने की कोशिश करें बच्चों। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, निसेरिया। ठीक है, निशेरिया बच्चों, निशेरिया इसका करेक्ट हो जाएगा। यह यौन संचालित बीमारी है, और अगर इसका उपचार बच्चों, इसका उपचार सही से ना किया जाए, सही से ना किया जाए, तो यह महिला में बांझपन उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही समय पर इलाज शुरू किया जाना चाहिए और पूरा कंप्लीट इलाज किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये बांझपन का बच्चों कारण बन सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करने वाली वायरल बीमारी कौन सी है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? मम्स, रूबेला, पोलियोमाइलाइटिस या ऑप्शन डी बड़ी माता। 25 का करेक्ट आंसर बता दें सभी बच्चे, क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करने वाली वायरल बीमारी कौन सी हो जाएगी? 25 का, तो 25 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों पोलियोमाइलाइटिस तीन प्रकार का होता है टोटल। पोलियोमाइलाइटिस टोटल बच्चों कुल तीन प्रकार का होता है। एक होता है पोलियो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप वन, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप टाइप वन, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप टू और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप थ्री। ठीक है, तो टोटल बच्चों ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना बच्चों टोटल तीन प्रकार का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा संक्रमण स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है? कौन सा त्वचा संक्रमण स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के वजह से होता है? फैम फैम्पी गस, लोम्पोटिगो, स्कंचीज या ऑप्शन डी हो जाएगा एक्जिमा। क्या हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर? सभी बच्चे तेजी से बता दें 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोम्पोटिगो। लोम्पोटिगो त्वचा संक्रमण बच्चों स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण से बच्चों होता है। तो ऑप्शन बी इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में चेस्ट फिजियोथेरेपी का सही वक्त क्या है? नवजात शिशु में फिजियोथेरेपी का सही वक्त, सही समय क्या है? खाने से पहले, खाने के बाद, दो भोजन अवधि के बीच में या किसी भी समय?
बहुत पहले मैंने इस प्रश्न को कराया था, थोड़ा दिन पहले, मुझे लग रहा है 4 से 5 महीने पहले, बिफोर 4 से 5 मंथ्स। बताएं सभी बच्चे क्या हो जाएगा 27 का? और 27 का करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 भोजन अवधियों के बीच का जो समय होता है बच्चों, चेस्ट फिजियोथेरेपी का सबसे बेहतर समय होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय ना बच्चा भूखा रहता है और ना ही उसका पेट बहुत ज्यादा भरा रहता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा उचित समय होता है 2 भोजन के बीच की अवधि का समय बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रोग का उत्तरदायी कारक जीव कौन सा है? कारक जीव, प्लेग रोग का उत्तरदायी कारक जीव कौन सा है? पस्टिवरला पेस्टिस, पर्ट्यूसिस बेसिलाई, साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी करेक्ट नहीं है। सभी बच्चे बताने की कोशिश करें क्या हो जाएगा। प्लेग रोग का उत्तरदायी कारक जीव 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, पोस्टुरला पेस्टिस बच्चों, पोस्टुरला पेस्टिस जो है बच्चों वो प्लेग रोग का कारक जीव है, ऑप्शन ए इज द राइट। 1970 के दशक में बच्चों प्लेग का पैंडमिक आया था, प्लेग की महामारी आई थी, और बच्चों विश्वास नहीं करोगे, पूरा गांव का गांव इसमें साफ हो गया, पूरा गांव का गांव, समझो गांव में अगर 1,000 लोग हैं तो 1,000 के 1,000 लोग इसके प्रकोप में आ गए, एक आध या 5 लोग 10 लोग बस बच पाते थे, पूरा गांव साफ हो जाता था, इतना डेंजर था ये, कोविड से भी ज्यादा, क्योंकि उस समय हमें मेडिकल फैसिलिटी और ज्यादा बिगड़ी हुई थी, बहुत वीक थी। यूका द्वारा संवाहित किया जाने वाला ज्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? यूका द्वारा संवाहित किया जाने वाला ज्वर निम्नलिखित में से है, अल्पविरामी ज्वर, रिलैप्सिंग ज्वर, टाइफस ज्वर, या ऑप्शन डी हो जाएगा विराम ज्वर, क्या हो जाएगा बच्चों? यूका द्वारा संवाहित किया जाने वाला ज्वर निम्न में से कौन सा है? अल्पविरामी, रिलैप्सिंग, टाइफस या विराम? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, रिलैप्सिंग ज्वर, ठीक है। यूका के द्वारा समाहित यानी संचारित यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला ज्वर है, तो रिलैक्सिंग ज्वर बच्चों ऑप्शन हो जाएगा बी इज अ वेरी राइट बच्चों, ठीक है। और इसमें इसमें बच्चों रिलैक्सिंग ज्वर में अचानक फीवर आ जाएगा, काफी ज्यादा आ जाएगा, अचानक बुखार, और कई बार बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसके अलावा संक्रमण के दाने शरीर पर दिखाई देंगे, एवं बच्चों आंखों में दर्द आदि इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डोट्स की सफलता के मुख्य अवयव कौन से हैं? और बच्चों बुरा मत मानना, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ा हूं तो इसके लिए माफी चाहता हूं, और बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बच्चों, ठीक है। देखो जितना बच्चों आप सही आंसर आप यहाँ करते हो ना, अगर इतना कर दोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आप सबको, बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग आंसर करते हो, बस एग्जाम में भी इतना ही कॉन्फिडेंट आपको रहना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, बस कॉन्फिडेंट रहना, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्ञान की कमी से किसी बच्चे का रुकेगा, ठीक है। धूप की सूक्ष्मदर्शी से जांच, औषधियों की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था करना, प्रमाणीकृत औषधि चिकित्सा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का 30 का? और 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों उपरोक्त सभी। डोट्स की सफलता के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो ये तीनों है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा, एलिसा का पूरा नाम क्या है बच्चों? एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे, एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी, और ऑप्शन डी हो जाएगा एंजाइम
लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन ऐसे क्या बताएगा बच्चों? सभी बच्चे तेजी से बता दे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बिना देर किए। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी इज द राइट, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्विटेज से बच्चों, जो एचआईवी के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, एचआईवी को कंफर्म करने के लिए बच्चों एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अगर अस्पताल में कोई संक्रमण मरीज को हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? लोकलाइज्ड संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण, तृतीय संक्रमण या पुनः संक्रमण? क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, नोजोकोमियल संक्रमण। और इसका आंसर तो सबको पता होगा, किसी बच्चे ने देर नहीं किया, कितना तेजी से आप लोग आंसर दिए हैं। जैसे ही कोई इजी प्रश्न आता है एकदम जल्दबाजी करना शुरू, फटाफट आंसर देने लगते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक भी है। अब इस तरह के प्रश्नों पे आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना, हाँ लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आंसर गलत आप लोग ट्रिक कर दें या दे दें, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनेंगे तो उसे कहते हैं पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों? सभी बच्चे तेजी से बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी इज द राइट, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता इस प्रश्न का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर बच्चों, बताएं तेजी से किसे छोड़कर सभी मर जाते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या स्पोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोर्स हो जाएगा, ठीक है? स्पोर्स को छोड़कर बाकी सभी फंजाई भी मर जाते हैं, बैक्टीरिया भी और प्रोटोजोआ, बस यही बच्चों नहीं मरता, ठीक है? चाहे पानी आप कितना भी गर्म कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, जैसे सड़क पर खड्डे हैं, यहां पर बच्चों कूलर में, अगर कहीं पानी जमा हो रहा है छत के ऊपर पानी जमा हो रहा है, यहां पर नालियों में, या कोई ऐसा सामान जो बच्चों बाहर रखा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है? तो इन सब में अगर पानी इकट्ठा हो जाए बच्चों तो इसमें मच्छर अपने लार्वा को इसमें देने लगते हैं, जिससे बच्चों का जन्म होता है और बहुत तेजी से ये बढ़ते हैं। तो कौन अप्राकृतिक संग्रह में, जो सिर्फ इनमें जिनमें बहाव होता है ना, जिन भी पानी में बहाव है उसमें ये जन्म नहीं दे पाते, क्योंकि बह जाते हैं, लार्वा बह जाता है, इनके लिए जरूरी है स्टेबल वाटर जो स्थिर हो, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो 35 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, एडीज मच्छर, जो मलेरिया का कारण होता है, डेंगू का कारण होता है, इनके जो मच्छर होते हैं ना बच्चों मलेरिया और डेंगू के, ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तेरी से बताएं सभी बच्चे। काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी बच्चे आंसर करते हैं।
और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी मलेरिया। कौन सा रोग जीवाणु नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक एम्पलीफायर है? कौन सा प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर है बच्चों? गाय, बंदर, सुअर या ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्ली। बहुत बढ़िया आंसर करें बच्चों, बहुत शानदार। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं बच्चों प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जितने बच्चे चैनल पर हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे तेजी से। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बच्चों, ऑप्शन सी सुअर। और बच्चों जापानी इंसेफ्लाइटिस का ना एक वाहक मच्छर भी है बच्चों, इसका मच्छर भी है ठीक है, इसका एम्पलीफायर एक मच्छर भी है बच्चों। और जापानी इंसेफ्लाइटिस ज्यादातर बच्चों ग्रामीण एवं कृषक क्षेत्रों में, मतलब जहां पे कृषि कार्य होता है, कृषक क्षेत्रों में ज्यादातर होता है ठीक है। ठीक, ज्यादातर मामले ग्रामीण एवं कृषि कृषक क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? 10 रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है बशु? उल्टी, पेट में दर्द, नेजलीकरण या सुस्ती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता दें क्या हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी, सबको पता है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया भी है बच्चों। बहुत बढ़िया ठीक है, बिल्कुल सी इज द राइट, नेजलीकरण डिहाइड्रेशन बच्चों ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? आईडी रूट से, एसटी रूट से, आईएम रूट से या आईवी रूट से? सभी बच्चे बता दें। इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या ऑप्शन डी हो जाएगा इंट्राविनस। 39 का बीसीजी, वैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो वैसिलस कैलमेट गुवेरी ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, इंट्राडर्मल ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये टीबी के इलाज में बच्चों आप सबको पता ही है, टीबी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कॉप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं बच्चों? छोटी माता, मम्स, खसरा या पोलियो? सभी बच्चे तेजी से इस प्रश्न का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता देंगे बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, खसरा। मेजल्स में कॉप्लेक्स स्पॉट्स बच्चों मेजल्स में देखने को मिलते हैं ठीक है। क्लास कैसी लगी बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट बच्चों, इतना सारा प्यार देने के लिए चैनल को, इतने देर तक बने रहने के लिए, सबसे बड़ी बात मुझे झेलने के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर देंगे तुरंत वीडियो को। जितने बच्चे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर करना भी नहीं भूलना है बच्चों। प्लीज अपने स्टेटस पर इसे आप लगा सकते हैं बच्चों अगर पॉसिबल हो तो ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट विद अजय सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों ठीक है।
तो प्लीज इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर जाके इसे सर्च कर लीजिए बच्चों, मिल जाएगा। और अगर हमारी फ्री वाले बैच में जुड़ना है ना बच्चों, तो इस नंबर पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम, और लिख दीजिएगा एडमी, ठीक है, फिर आपको फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएंगे सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। मिलते हैं कल 7 बजे अपने नए क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चों, ठीक है, गुड नाइट बच्चों, एंड जय हिंद।